और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है बार्सिलोना के बाद पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूं अपने ऑफिस में। यस, मैं इंडिया में वापस आ चुका हूं और जो वीडियोस आप अभी तक देख रहे थे वो कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि बार्सिलोना में रिकॉर्डेड हैं, तो कुछ वीडियोस और पड़े हुए हैं यहाँ पे जो कि आने वाले हैं आपके पास एक एक करके, तो उनमें से कुछ वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं आज और कल में। लेकिन अब से शुरुआत करते हैं डेली न्यूज एक्सप्रेस का, जो कि इतने समय से कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो डेली न्यूज एक्सप्रेस की भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा इंतजार करते हैं, और वो है अपकमिंग फोन्स मार्च 2017 के। तो मार्च 2017 में कौन कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं और किस प्राइस पॉइंट पे वो फोन आ सकते हैं, उन सभी फोन्स के बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ डेली न्यूज एक्सप्रेस का पहला एपिसोड जो है अगेन इतने दिनों के बाद आज रात को आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं यहां पे फोन्स के बारे में बात करने का और कौन कौन से फोन यहां पे लॉन्च होने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। तो पहला फोन जो यहां पे लॉन्च होने वाला है वो है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi जो है Redmi 4A इंडिया में लॉन्च करने वाला है, ऐसी कुछ खबरें मेरे पास आ चुकी हैं। Redmi 4A की स्पेसिफिकेशन देखें तो इसके अंदर आपको बजट स्पेसिफिकेशन मिलेंगी और ये फोन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे Redmi 3S Prime आपका है मार्केट में, तो ऐसे में कुछ उसी तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ, सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होगा और उस प्राइस सेगमेंट के आसपास ही रहेगा। तकरीबन 6 से 7 हजार का भी ये फोन हो सकता है। इस फोन के अंदर आपको 2 GB की रैम मिलेगी, इस फोन के अंदर आपको 5 इंच का 720p डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ 3120mAh की तकरीबन 3000mAh की बैटरी मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो फोन है Xiaomi की तरफ से वो थोड़ा बजट फोन होगा और ऐसे में हो सकता है इसकी प्राइस हो 5999, जो कि कभी होती थी Redmi के कुछ फोन्स की, यानी कि Xiaomi के कुछ फोन्स की। तो ऐसे में ये फोन 6000 रुपए का लॉन्च हो सकता है। 30 MP का कैमरा मिलेगा आपको इसके अंदर, 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। अगेन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बजट स्पेसिफिकेशन के साथ एक अच्छा फोन होने वाला है और यहाँ पे जो फोटोज हैं, कैमरा वगैरह जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एंड कैमरा आप मत एक्सपेक्ट कीजिए इस फोन के अंदर। लेकिन इस फोन के अंदर आपको 4G LTE का सपोर्ट और साथ साथ वोल्टी का सपोर्ट भी मिलेगा, तो 4G और वोल्टी दोनों ही चलेगा और ये फोन हो सकता है कि लॉन्च हो जियो के साथ पार्टनरशिप में। तो ऐसे में ये फोन डेफिनेटली एक 6000 रुपए के अंदर एक ऐसा फोन हो सकता है जो इंडिया में आए और जो डेफिनेटली आप लेना चाहें 4G फोन, जिसके अंदर आपको 5 इंच का 720p डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 425 मिलेगा। तो 425 वाला ये फोन इंडिया में आ सकता है और ये बहुत जल्द आएगा ऐसा कुछ पता लग रहा है। मार्च में क्या डेट होगी इसकी लॉन्च की वो तो अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगला फोन जो है यहाँ पे वो है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग के ये दो फोन जिनका हैंड फोन मैंने ऑलरेडी कर दिया है बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, सैमसंग गैलेक्सी A5 2017, सैमसंग गैलेक्सी A7 2017, तो A7 का तो नहीं किया लेकिन A5 का किया है, और A5 और A7 अभी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं काफी हाई प्राइस पॉइंट पे। तो ऐसे में ये फोन जो है डेफिनेटली महंगे हैं, लेकिन अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो डेफिनेटली इन फोन्स के अंदर आपको अच्छा कैमरा, वाटरप्रूफ फीचर और साथ ही साथ एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन कुछ वैसा मिलता है जैसा सैमसंग के हाई एंड प्रीमियम फोन्स मिलता है, तो ऐसे में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सैमसंग ने A5 और A7 इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं 2017 एडिशन, लेकिन A3 लॉन्च नहीं किया है, तो A3 का वेट आपको करना पड़ेगा। और जो भी लोग पूछ रहे थे कि A3 इंडिया में आएगा नहीं आएगा, A3 इंडिया में बिल्कुल आएगा लेकिन उसको आने में अभी समय लगेगा, तो हो सकता है अगले महीने तक आपको A3 इंडिया में मिले और वो तकरीबन रहेगा 18 से 20 हजार के आसपास। तो ऐसे में A7 और A5 2017 दोनों मार्केट में है हैवी प्राइस टैग के साथ, एक है 33 हजार रुपए के आसपास और एक है तकरीबन 28 से 29 हजार रुपए के आसपास A5 पड़ेगा आपको। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं रिकमेंड कर सकता हूं आप लोगों को ये फोन्स, लेकिन हाँ सैमसंग का अगर फोन चाहिए तो आपके पास यही ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो है ZTE की तरफ से, और ZTE जो है कुछ नए फोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, उसमें से एक फोन का नाम है Nubia N1 Lite। तो Nubia N1 Lite जो है वो लॉन्च होगा इंडिया में, और इस फोन के अंदर आपको MediaTek का चिपसेट मिलेगा 6737, साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको 5.5 इंच का
HD IPS डिस्प्ले यानी कि 720p IPS डिस्प्ले मिलेगा, 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। और अगेन ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बहुत ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है स्पेसिफिकेशन में, लेकिन प्राइस में हो सकता है कि काफी कम रहे और हो सकता है कि 10,000 के अंदर ये फोन हो। तो डुअल सिम कैपेबिलिटी के साथ 10,000 के अंदर ये फोन रहेगा ऐसा लगता है मेरे को, और ऐसे में मुझे नहीं लगता इस फोन के अंदर कुछ भी खास है जिसके लिए मैं आपको कहूं कि आप इसका वेट कीजिए, तो इसको तो आप इग्नोर कीजिए तो अच्छा है। अगला फोन जो है यहाँ पे नूबिया का Z11 Mini S है, तो Z11 पहले लॉन्च हो चुका है जो कि 5000 mAh वाली बैटरी के साथ आया था, लेकिन ये वाला जो है ये स्लिम वर्जन है उसी फोन का, और ये फोन भी अगेन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें हार्डवेयर जो है वो अच्छा दिया जाएगा। इसमें मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 625 5.2 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फोन मिलेगा। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको 4GB की रैम मिलेगी, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अच्छी है और हो सकता है कि इस फोन की प्राइस तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास जो है रखी जाए, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इस फोन के अंदर एक हाई एंड कैमरा यानी कि 23 MP का कैमरा भी मिल सकता है आपको। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि इसकी प्राइस 15,000 ही हो, लेकिन 15,000 से स्टार्ट हो सकता है ये। अगर ZTE ने इसे एग्रेसिवली प्राइस किया तो Z11 Mini S जो है डेफिनेटली इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और मार्च के अंदर ही ये फोन जो है लॉन्च होगा। अब इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है यहाँ पे और वो है वीवो की तरफ से, लेकिन क्लियरली ये पता नहीं है कि वीवो कौन सा फोन लॉन्च कर रहा है। 17 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है, तो वीवो का एक नया फोन होगा 17 तारीख को लॉन्च इंडिया में, लेकिन वो फोन कौन सा है क्या है कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है कि वीवो लॉन्च करने वाला है वीवो एक्स प्ले सीरीज के फोन इंडिया में। तो ऐसे में X Play 6 जिसका हमने रिसेंटली हैंड्स ऑन किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ A5 और A3 का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो वीडियोस हमने इन तीन डिवाइसेस के किए हैं वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं इन फोन्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ वीवो X6 Play जो है हो सकता है 17 तारीख को एक फ्लैगशिप फोन के फॉर्म में इंडिया में लॉन्च हो जाए, और X Play सीरीज डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं कि वीवो इंडिया में लॉन्च करे। तो ऐसे में हो सकता है 17 तारीख को वीवो एक हाई एंड फ्लैगशिप फोन जो है इंडिया में लॉन्च करे स्नैपड्रैगन 821 के साथ, ताकि वो कंपीट कर पाए हाई एंड फोन्स जैसे कि OnePlus 3, हाई एंड फोन जैसे कि सैमसंग के फोन्स और बाकी और कंपनी के फोन। तो ऐसे में वीवो कुछ इस तरह की प्लानिंग जो है कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो X Play सीरीज का एक फोन जो है इंडिया में लॉन्च कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी अपकमिंग फोन्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, दोनों ही बटन वीडियो के नीचे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा टायर्ड दिख रहा हूँ, थोड़ा थका हुआ दिख रहा हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है तो इसीलिए ऐसा है। इग्नोर कीजिए, टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। काम तो रुकता थोड़ी है, काम तो चलते रहता है। चलिए, बाय बाय।